अनार से जूस निकालने का तरीका इंटरनेट पर बहुत ट्रेंड कर रहा है। अच्छा, अनार को डालना है हमने सिरिंज में और उसको दबाना है जोर से और उसका सारा जूस, सारा जूस पी लेना है उसी वक्त, उसी वक्त ही। ये आ गया जी हमारे पास अनार, इसको काट लेते हैं। उसे भाई इसका भी एक तरीका होता है, लेकिन ये अनार मुझे बहुत ही सख्त लग रहा है, मुझे लगता है और अनार लेना पड़ेगा। ये मुझे लगता है खराब है पूरा। नहीं डोंट जज द कवर बाय इट्स बुक। वाह वाह, क्या कहने मुर्शिद, क्या कहने। डोंट जज द कवर बाय इट्स, क्या है, यही होता है। ठीक बोला, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। हाँ ये सही कहा है। वह चल भाई, वही नहीं आपने ठीक कहा था, मैंने सही कहा था, मैंने सही कहा। रवाना ये उसे भाई रेड, ओए ये तो आंखों में प्रकाश भाई, ये तो प्लेट प्लेट ले आता हूँ मैं, ये सारा जूस यहीं पर निकालता है वरना। उसे भाई एक ट्रेंड इंटरनेट पर एक और हैक भी ट्रेंड करता है, ये ऊपर से ऐसे मारते हैं तो नीचे से ऐसे निकलते हैं, निकलते हैं सारा वो खाली हो जाता है, हमारा तो एक दाना भी नहीं निकल रहा। ये तो अंदर घुसे पड़े हुए। लो जी अनार हमारे पास उसे भाई बन चुके हैं। ना वकास भाई, ना 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 जूस पियेंगे, ऐसे ना करे, ऐसे ना करे। भैंस वाली सिरिंज, ये बात और अब हम इससे इसी से जूस पियेंगे। यार ये क्या कर रहे हो यार, ये साफ है? नहीं ये साफ नहीं है सर भाई। यार हमारा एक्सपेरिमेंट शुरू होते ही खत्म हो गया यार, इसमें बहुत ही गंदी बदबू है इसमें से, इसमें बहुत ही गंदी स्मेल है। लेकिन हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे उस जूस को, उसे भाई पियेंगे नहीं, ठीक है? अच्छा पक्का? पक्का नहीं, ट्राई तो करना पड़ेगा थोड़ा सा, थोड़ा सा देखते हैं ये है कामयाब भी है या नहीं। अच्छा चले, ये वो फुल कर फूड वाली सिरिंज उसे भाई हमने लेनी थी, ये हम ले आए हैं भैंस वाली। तो फिर हक बनता है बदबू का। ठीक है इतना काफी है, इसको कर देते हैं साइड पर। ये हो गया साइड पर, अब देखते हैं इसमें वाकई काम करता है या नहीं करता। ठीक है भाई, ये वो काम कर रहा है यार, ये इतना तेजी से काम कर रहा है। ये तो विकास भाई, ये तो दो तीन सिरिंज में पूरा गिलास भरते हैं आप। उसे भी मुझे लग रहा है अभी भी जूस अंदर है, ये तो सारा जाया हो जाएगा, जैसे एक कचुंबर होता है वैसे नहीं हो रहा। ये देखो ये तो सही सलामत है, ये तो सही सलामत ठीक है। तो ये वैसे तो ये कुछ कुछ है, ये देखो कुछ ये कुछ बिल्कुल फुल खाली हो गए और कुछ फुल भरे हुए हैं। तो ये है नाकाम लेकिन थोड़ा कामयाब भी है।